ठंड बढ़ेगी ऊपर तो इसको क्या कर? ये भी व्लॉग में आना चाह रहा है। गौरव भाई ने नए जूते लाया था। तेरी बहुत बारिश हुई है रास्ते में, बहुत कीचड़ था। द्वार आया है अभी यात्रा से पहले, यहाँ से जाते हैं। काफी सुंदर बना रखा है। तो ये है घोड़ा पड़ाव, यहाँ से आपको खच्चर वगैरह मिल जाएंगे। और भाई बहुत भीड़ है यार, मतलब रास्ता भी मतलब थोड़ा गिलगिला सा है और कीचड़ वीचड़ हुआ पड़ा है और भीड़ देखो भाई। यहाँ पे पार्टीशन कर रखा है, खच्चर एक तरफ और बंदे एक तरफ। बस एक खच्चर हमारा इस साइड आ गया, बस एक खच्चर इस तरफ चल रहा है। आज खच्चर सारे खच्चर है भाई, हम तीनों खच्चर है। पता है क्यों? क्योंकि हम मुंह नीचे करते हैं, चलते रहते हैं। तो तीन बात तो सही कह रहा है तू। तो तीन, हाँ तीन खच्चर इस तरफ, बाकी सारे खच्चर उस तरफ। अगर आप खुद खच्चर नहीं बनोगे तो आपको वैसे खच्चर मिल भी जाएंगे। यहाँ से अब तक का ऊपर तक का पूरा 2900 रुपये प्राइस है, 2900, और डाउन का 2200 रुपीज़। खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए, और खाना खाने के बाद ठंड ना थोड़ी सी बढ़ गई है, तो सब लोगों ने, हम तीनों ने जैकेट्स अपनी निकाल ली हैं, जैकेट्स पहन लिए। ऊपर देखते हैं यार, पता नहीं क्या होगा, और ठंड बढ़ेगी ऊपर तो इसको क्या कर? ये भी व्लॉग में आना चाह रहा है। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है अभी, मज़ा आ रहा है। अभी तो धक्के पड़ेंगे ऊपर जाके, ठीक लगे। बस खच्चरों ने बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है। वो जो भी आ जा रहे हैं, पार्टीशन जो था वो थोड़ी देर के लिए था, उसके बाद गायब हो गया था। बारिश शुरू हो गई है, सबने हमने रेनकोट्स पहन लिए अपने अपने। थोड़ा मतलब नज़ारे इंजॉय नहीं कर पा रहे, बस कोशिश करेंगे कुछ व्यूज कैप्चर करें आप लोगों के लिए, थोड़े बढ़िया बढ़िया। बट फिलहाल तो खच्चर खच्चर की पोटी, हम खुद खच्चर, यही सब चल रहा है। काफ़ी कीचड़ हुआ है नीचे, तो देखो। थोड़ा सा दूर चलने पे ये पहुँचे हैं चीरवासा भैरव नाथ का मंदिर है यहाँ पे, और अभी यहाँ से बताया जा रहा है जो रामबाड़ा है वो 4 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर पहले भी हमने पूछा था, आधे घंटे पहले, तब भी 4 किलोमीटर ही बताया गया था। तो मतलब कि हम 0 किलोमीटर चले हैं, मंदिर आ गया तो गौरव भाई ने नए जूते लाया था।
चेक करो यार जो इन्होंने गिफ्ट करे थे। तेरी और मेरी हालत देखो, इधर भी इधर भी ऐसे लो जी, ये देखो तू गंदे मत कर मेरे। यार वैसे तो बारिश बढ़िया है, चलवाओ मत तुम कीचड़ों में। इन अंधेरे रास्तों में बारिश की टिप टिप करती हुई बूंदें हमारी यात्रा कठिन बनाई जा रही थी, लेकिन कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे हमारा मन मोह रहे थे। रास्ते काफ़ी लंबे लगने लगे थे क्योंकि मंजिल अभी दूर थी, लेकिन रास्ते में कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे जो हमें महादेव के दर्शन करने की प्रेरणा दे रहे थे। तो बेस कैंप पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बजने में 10 मिनट है और हम 3:30-4 बजे से चलते जा रहे हैं। बहुत बारिश हुई है रास्ते में, बहुत कीचड़ था, पर वही है, महादेव के दर्शन करने हैं तो अंदर से जोश बना हुआ था, चलते जा रहे थे। अब कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या फील कर रहे हो भाई लोग बताओ? मेरी शक्ल दिखा पहले। आप जरा क्लोजअप में देखो भाई की शक्ल। यार एक्चुअली बात ऐसी है, तेज भी नहीं चल सकते क्योंकि सारा कीचड़ है और अब बर्फ़ के पैचेज आए हैं तो बर्फ़ भी स्लिपरी है, तो अब रास्ता थोड़ा सा और मुश्किल हो गया और अब तक तो था ही, तो ये हमारे साथ सिनेरियो हो गया। अभी 12 बज गया, पता नहीं कितने बजे केदारनाथ मंदिर पे पहुंचेंगे, बट आपके साथ बने रहेंगे। वो कहते हैं ना, जब तक बुलावा ना आए तब तक महादेव के दर्शन कोई नहीं कर सकता। कुछ इसी तरीके की फीलिंग हम तीनों महसूस कर रहे थे। बेस कैंप तक पहुंचना इस मौसम के साथ लगभग नामुमकिन ही था, पर हमारी रूह उस ऊर्जा को महसूस कर चुकी थी और हमें महादेव का बुलावा आ चुका था। कल सुबह हम महादेव के शरण में होंगे और इस यात्रा की संपूर्ण प्राप्ति वहीं मिलेगी। हर हर महादेव। और खूबसूरत दिन के साथ हो चुकी है शुरुआत।